प्रोपल्शन या रॉकेट प्रोपल्शन क्या चीज़ है, रॉकेट कैसे उड़ता है? सिंपल है, रॉकेट बिल्कुल वैसे उड़ता है जैसे आप एक गुब्बारा लो हवा से भरा हुआ, पीछे से हवा निकल रही है, गुब्बारा आगे जा रहा है, तो रॉकेट के अंदर भी ऐसे ही है, फ्यूल है। रॉकेट की सारी गेम फ्यूल के ऊपर बेस्ड होती है, क्योंकि रॉकेट को बहुत दूर जाना है। और ये जो एग्ज़ाम्पल है, ये वेरिएबल मास का एग्ज़ाम्पल है, उसका रीज़न है, रॉकेट को बहुत दूर जाना है, और मान लो अभी 1.5 लाख किलोमीटर दूर जाना है या 1 लाख किलोमीटर दूर जाना है, तो फ्यूल चाहिए। रास्ते में रीफ्यूल तो होना नहीं, उसने एक ही बार फ्यूल भर के भेजोगे और वहाँ तक पहुँचना चाहिए। अब फ्यूल के अंदर बेसिकली क्या है, आपने जब फ्यूल भर दिया तो वो फ्यूल कम होता जाएगा। अब फ्यूल कम होगा, मान लो मिड पॉइंट पे जाके, आधे रास्ते पे और आगे जाके फ्यूल ख़त्म 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 होता जाता है, और फ्यूल का मास बहुत ज़्यादा होता है, तो रॉकेट का मास कॉन्टीन्यूसली क्या होता जा रहा है, चेंज। रॉकेट का मास क्योंकि हल्का होता जा रहा है तो वो ज़्यादा एक्सलरेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से गैस बाहर निकलती रहती है, और रॉकेट का मास हल्का होता जा रहा है तो रॉकेट की स्पीड और रॉकेट स्पीड और पकड़ता जाता है जैसे जैसे वो ऊपर जाता है। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड रॉकेट प्रोपल्शन है। तो रॉकेट प्रोपल्शन है क्या? प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट इज एग्जांपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। गैस नीचे फेंकेंगे और रॉकेट ऊपर जाएगी, सिंपल है। तो इन अ रॉकेट गैसेज एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर आर प्रोड्यूस्ड बाई कम्बस्टन ऑफ फ्यूल। जब रॉकेट उड़ते आपने देखा होगा बिल्कुल एकदम धुआं ही धुआं, और बहुत फ्यूल जब बर्न होता है एकदम, तो धुआं ही धुआं छोड़ता है, तो नीचे की तरफ धुआं जाता है और रॉकेट ऊपर उड़ता है। तो क्या हो रहा है इसमें, बहुत प्रेशर के ऊपर आपका फ्यूल बर्न किया जाता है और टेम्परेचर बहुत हाई होता है। दे एस्केप विद अ लार्ज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी थ्रू अ नोजल। तो नीचे एक नोजल लगा दी जाती है जिसमें से बहुत एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से गैस बाहर निकलती है। तो जब वो गैस बाहर निकलती है तो बाय रिएक्शन रॉकेट ऊपर उड़ता है। तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से वो गैस को बाहर निकालते हैं। लार्ज बैकवर्ड मोमेंटम ऑफ द गैसेज इम्पार्ट्स एन इक्वल फॉरवर्ड मोमेंटम ऑफ द रॉकेट। तो जैसे गैस नीचे जा रही है वो नेगेटिव मोमेंटम है, तो पॉजिटिव मोमेंटम से वो रॉकेट एक्शन है, उसके बदले में रिएक्शन से रॉकेट ऊपर जा रहा है। बट ड्यू टू डिक्रीज इन मास ऑफ द रॉकेट फ्यूल, तो रॉकेट का फ्यूल कम होता जा रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होती जाती है। तो इसका प्रिंसिपल समझ में आ रहा है। तो एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी गेंड बाय द रॉकेट, एनसीईआरटी का टॉपिक है, वैसे बता दूं मैं, ये लिखने को आ सकता है रॉकेट प्रोपल्शन। तो हमने क्या निकालना है, हमने दो चीज़ें निकालनी है। पहली चीज़ कि रॉकेट जब हवा में होगा तो किसी भी इंस्टेंट पर उसकी किसी भी टाइम पे क्या वेलोसिटी होगी, जिसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, एक। और दूसरा थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, फोर्स रॉकेट पे क्या लग रही होगी उस टाइम, ये बताओ। तो सबसे पहले अगर आप इसकी फोटो देखें रॉकेट की, एक रॉकेट है जो अभी ग्राउंड पे है, ये ग्रे कलर का मतलब फ्यूल से भरा पड़ा है, तो फ्यूल ही फ्यूल है अभी, फुल है। तो एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो इसका मास फुल है, m नॉट है, और मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है। नॉर्मली ये v नॉट जीरो होती है क्योंकि रॉकेट रेस्ट से स्टार्ट होता हुआ वेलोसिटी इंक्रीज करता है, तो v नॉट को एंड में जीरो पुट करेंगे। नेक्स्ट है, किसी भी हवा में जब इसकी फोटो ली गई किसी भी इंस्टेंट पर जिसको बोलते हैं, रॉकेट की जो गैस है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही नीचे आती रहेगी, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगी, वीजी। और वीजी का मतलब वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। गैस की एब्सोल्यूट वेलोसिटी वीजी है एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, कहीं भी आप देखेंगे। और मास रॉकेट का क्या हो चुका है, एम। तो एम नॉट से क्या हो गया, एम। और वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर क्या हो गई, वी। तो वेलोसिटी वी नॉट की वी हो गई, बढ़ गई, पहले वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, एक्सेलरेट कर रहा है रॉकेट, तो वी वेलोसिटी होगी एट टाइम टी। फिर अगले डी टी टाइम के बाद, अगले इंस्टेंट, हल्के से टाइम डी टी के बाद, मास जो बर्न हो गया फ्यूल का, वो कितना बर्न हो गया, डी एम। तो डी एम मास खर्च गया, मतलब फ्यूल खत्म हो गया, तो मास रॉकेट का क्या हो गया, एम माइनस डी एम, और वेलोसिटी बढ़ गई, वी प्लस डी वी। तो ये एक स्मॉल इंस्टेंट की स्नैप है कि किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है क्योंकि फ्यूल बर्न होता जा रहा है और मास कम होता जा रहा है फ्यूल का, पर वेलोसिटी ऑफ गैस विल रिमेन सेम। तो ये डायग्राम क्लियर है। तो इसके अंदर सपोज एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, एम नॉट इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट है इंक्लूडिंग दैट ऑफ फ्यूल, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट है, एट टाइम टी एम इज द मास ऑफ द रॉकेट लेफ्ट, किसी भी इंस्टेंट पर मास एम रह गया, एम नॉट से कम हो गया, वी इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रॉकेट, तो वी वेलोसिटी ऑफ रॉकेट है। और ऐसे केस में m जो है वो m नॉट से कम होगा क्योंकि m नॉट तो तब था जब फ्यूल फुली लोडेड था,
मास कम हो गया तो एम कम होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वी शुड बी ग्रेटर देन वी नॉट, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, मास कम होता जा रहा है. तो डी एम का मतलब स्मॉल डिक्रीज इन मास ऑफ द रॉकेट ड्यू टू बर्न ऑफ फ्यूल, फ्यूल बर्न करने से डी एम मास कम हो रहा है. डी वी का मतलब इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट है, डी एम मास खर्च करने से डी वी वेलोसिटी बढ़ रही है. वी जी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एब्सोल्यूट वेलोसिटी है गैस की. तो मैं आपको इसका पहले एक्चुअल मेथड बताता हूँ, फिर इस टॉपिक को करने का शॉर्टकट बताऊँगा, दो लाइन में खत्म हो जाएगा. पर पहले एक्चुअल मेथड देखो होता क्या है. रॉकेट में से जो रॉकेट है उसमें से मास नीचे जाता जा रहा है फ्यूल की फॉर्म में डीएम, तो मास कम होता जा रहा है, जिस चक्कर में रॉकेट ऊपर आता जा रहा है. बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गन में से बुलेट आगे जाती है तो गन पीछे आती है, तो सोचो बुलेट नीचे जा रही है तो गन ऊपर जा रही है. तो एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू का कॉन्सेप्ट है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा. किसी भी इंस्टेंट पर रॉकेट का मास एम है और किसी भी इंस्टेंट पर रॉकेट की वेलोसिटी वी है, तो मोमेंटम किसी भी इंस्टेंट पर कितना है, एम इन टू वी है. तो एम इन टू वी क्या है, रॉकेट का मोमेंटम है किसी भी इंस्टेंट पर. अब हुआ क्या, अगले ही इंस्टेंट पर मास कम हो गया, मास ऑफ रॉकेट कम हो गया, कितना एम माइनस डी एम हो गया, पर वेलोसिटी रॉकेट की बढ़ गई, कितनी होगी वी की जगह वी प्लस डी वी हो गई. ठीक हो गया यहाँ तक, तो एम वन वी वन एम टू वी टू. लेकिन प्रॉब्लम है कि जो डी एम गया वो कहाँ गया, वो गैस की फॉर्म में गया, और गैस कहाँ गई, ऊपर नहीं गई, गैस कहाँ गई नीचे गई. तो ये मोमेंटम रॉकेट का ऊपर है, ये मोमेंटम रॉकेट का ऊपर है, ये मोमेंटम गैस कितनी बर्न आउट हो रही है डीएम, और वेलोसिटी वीजी कहाँ पर है, नीचे. तो चेक कर रहे हो यहाँ पर, ताकि टोटल मास इसे और इसे ऐड करेंगे तो टोटल मास क्या आएगा, एम ही आएगा. मोमेंटम कंजर्वेशन तभी सही बैठेगा ना, जब इनिशियल मास और टोटल ये जो मास इनटू वेलोसिटी का सम सेम है. तो इमेजिन करो रॉकेट का मास अगर एम है, उसका एक टुकड़ा हो गया, या टुकड़ा मीन्स डीएम मास चला गया, तो बचा हुआ मास तो ऊपर जा रहा है एम माइनस डी एम. तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक वो गन से बुलेट निकालते हैं, तो वही ये बुलेट है और ये गन है, तो टोटल मोमेंटम वही रहेगा जो इनिशियल पहले था. तो ये आपने रूल लगाया. फिर इसके बाद इस पूरी टर्म को आपने ओपन कर लिया, ये पूरे का पूरा इसने ब्रैकेट ही ओपन कर दिया. ब्रैकेट ओपन करके वो कहता है जो डी एम है मास बहुत बहुत छोटा है, डी वी वेलोसिटी भी बहुत 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 छोटी है, बहुत छोटा इन टू बहुत छोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही छोटी टर्म आ जाएगी, और छोटी टर्म आएगी, इसको कैलकुलेशन से हटा दो, निगलेक्ट कर दो. तो इस टर्म को हमने निगलेक्ट कर दिया, छोड़ दिया, ज़ीरो कर दिया. ये टर्म इससे वैसे ही कैंसिल हो गई. एम डी वी एक तरफ रखा, इसमें से और इसमें से डी एम को कॉमन निकाल लिया, तो आपके पास ये टर्म आ गई, सिंप्लीफाई करके ये टर्म आ गई. अब वो क्या कहता है, मान लो एक नई वेलोसिटी इंट्रोड्यूस कर रहा है यू. यू का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट. हमने गैस की वेलोसिटी क्या ली थी, वीजी, पर वो वेलोसिटी थी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. यू का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, नहीं विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट. तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रिलेटिव वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट. तो वेलोसिटी ऑफ गैस कितनी है, माइनस वी जी नीचे, और रॉकेट की वेलोसिटी क्या है, वी. तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो यू का ये फॉर्मूला आएगा, या वी प्लस वी जी की जगह माइनस यू आएगा, और ऊपर वी प्लस वी जी की जगह क्या पुट कर दिया, माइनस यू पुट कर दिया. तो आपकी कैलकुलेशंस छोटी हो गई. आपको जो पेपर में आएगा आपने क्या करना है, अगर आप मतलब करना चाहें पूरे का पूरा करें, मतलब टीचर इंप्रेस होगा कि सही बात है पढ़ के आया बच्चा, पर अगर नहीं करना चाहते, मुश्किल लगता है कभी कभी ये टॉपिक, तो आप ये डायग्राम बनाएं, आप इसमें वी जी लिखें वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, एक टर्म और इंट्रोड्यूस कर दें यहाँ पर, यहाँ पर लिख लें कि यू इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट दैट सेट, और सीधी अपनी डेरिवेशन ही यहाँ से शुरू कर दें, बात ही खत्म. क्योंकि वो डेरिवेशन तब चलती है अगर आप वी जी से सॉल्व करते हो, लेकिन अगर आप यू से ही सॉल्व करते हो फिर आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है. आप सीधा बोलो कि रॉकेट, आप सीधा लिखें रॉकेट का मास किसी भी इंस्टेंट पर क्या है, एम, और वेलोसिटी चेंज कितना है, डी वी. तो ये हो गया एम वन वी वन, किसके लिए, रॉकेट के लिए. गैस कहाँ जा रही है, नीचे. नीचे का मतलब गैस की वेलोसिटी क्या है, यू, रिलेटिव वेलोसिटी, और गैस का मास कितना बर्न हो रहा है, डी एम. तो एम वन वी वन एम टू वी टू आंसर. तो एक ही लाइन में ये चल जाएगा अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, लेकिन अगर आप वीजी का करते हैं फिर आपको लंबा करना पड़ेगा. और आप कहेंगे फिर हम क्या करें, क्योंकि फाइनल आंसर रिलेटिव वेलोसिटी की फॉर्म में करना है,
तो बेटर है कि आप सीधा ये लिख दें, आप अपना टॉपिक स्टार्ट ही यहां से करें, बात ही खत्म है। तो क्लियर है, ये रॉकेट की, ये मास किसका है? रॉकेट का। डीवी इंक्रीज इन वेलोसिटी किसकी है? रॉकेट की। डीएम मास किसका बर्न हो रहा है? गैस का। और यू वेलोसिटी किसकी है? गैस की, रिलेटिव वेलोसिटी है। तो यहां से डीवी एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, तो यहां से ये टर्म आ गई कि डीवी चेंज इन वेलोसिटी है रॉकेट की जब डीएम मास बर्न आउट हो रहा है। टोटल या किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे। जब रॉकेट चला था जमीन से तो वेलोसिटी क्या थी? वी नॉट। और किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी हो गई वी। जब रॉकेट चला था तो मास की लिमिट क्या लगेगी? एम नॉट। एम नॉट मास था, और किसी भी इंस्टेंट पर मास क्या हो गया? एम। तो 1 डीवी की इंटीग्रेशन वी है, वी नॉट से वी माइनस यू। 1 बाय एक्स डीएक्स की इंटीग्रेशन थी लॉग एक्स, 1 बाय एम डीएम की लॉग एम। एम नॉट से एम, एम की जगह एक बार अपर लिमिट, एम की जगह एक बार लोअर लिमिट। लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म बाई सेकेंड टर्म। लॉग की एक प्रॉपर्टी है, अगर लॉग को माइनस का प्लस करना है तो ये टर्म उल्टी करनी पड़ेगी रेसिप्रोकल। तो एम नॉट ऊपर आ गया, एम नीचे आ गया, वी नॉट राइट साइड पे चला गया। तो ये फाइनल वेलोसिटी आ गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रॉकेट की किसी भी इंस्टेंट पर। अगर रॉकेट इनिशियली रेस्ट पे है तो वी नॉट की वैल्यू क्या रहेंगे? जीरो। इसको जीरो पुट करेंगे तो वी का ये फॉर्मूला आ गया। तो रॉकेट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने निकाल ली, ये पहला पार्ट आएगा प्रूव करने को। दूसरा पार्ट आएगा थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। थ्रस्ट का मतलब फोर्स ऑन द रॉकेट। तो आप थ्रस्ट निकालने के लिए फिर से सेम इक्वेशन लिखें, फिर से सेम इक्वेशन लिखें। ये देखो थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, तो आपकी इक्वेशन है एम इंटू डी वी। एम इंटू डी वी इज माइनस यू इंटू कितना? डी एम। ये इक्वेशन फिर से लिखें, दोनों तरफ डी टी और डी टी से डिवाइड कर दें। ये टर्म आ गई, डी वी बाई डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन होगी, और फोर्स क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया आंसर। ये थ्रस्ट ऑन द रॉकेट हो गया, बात हो गई खत्म।